आगामी यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रैली को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यूपी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच नीतीश कुमार ने वाराणसी में रैली कर मिशन यूपी का आगाज किया। रैली संबोधन के दौरान उन्होंने मंच से शराबबंदी का मुद्दा उठाया। शराबबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को भी आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने सवाल किया कि आखिरकार प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यों में शराब पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर जनता को ठगने और वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। नीतीश ने आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार और बीजेपी को पूरी तरह नाकाम करार दिया है। नीतीश ने कहा कि सरकार पहले भगवा की बात करती थी और अब तिरंगे की बात कहती है। संघ पर भी निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि संघ के लोगों ने आजादी की लड़ाई में भूमिका नहीं निभाई है और आज देशभक्ति की बात करते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में नीतीश कुमार की ये पहली रैली थी, जिसके पीछे कई राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं।